अकोला के जीएमडी मार्केट में भीषण आग लग गई। गोडाउन और दुकान जलकर इस आग में खाक हो गए। महाराष्ट्र के अकोला में जीएमडी मार्केट में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि दीपक लालवानी के गोडाउन और दुकान में ये भीषण आग लगी। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दे दी गई। दमकल विभाग जब तक पहुंचता तब तक गोडाउन में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। गोदाम में आग लगी थी। फायर कर्मी पहुंचे तब तक सब कुछ जल चुका था। सुनील कोडेजी का आणि विजय अग्रवाल यांचा मी फोन आला। जीएमडी मार्केट मध्ये मी आग लागलेली आहे। लगेच मी आमचे जे फायर टेंडर तिथे पोहोचले आणि घटनास्थळावर मी आम्ही पण पोहोचलो आणि माहिती काढली। आपला गोपी ट्रेडर म्हणून आपला जे व्यवसाय आहे त्याला मी फायर लागली। लगेच मी आमच्या माणसांनी मी काम चालू केलं आणि आता आज आग जी आहे कंट्रोलमध्ये आहे। गोदाम में आग लगी है। जलकर सामान हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक आग पूरे में फैल चुकी थी और पूरा सामान जलकर खाक हो गया। ये पूरा जो मामला है महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां जीएमडी मार्केट की घटना बताई जा रही है। आग के कारण पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अकोला से ये खबर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले को अगर देखें, जिस घटना की क्या अब तक जांच में ये साफ हो पाया है कि ये आग कैसे लगी और फायर ब्रिगेड का अमला इतनी लेट क्यों पहुंचा? जी देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि आज अकोला में सुबह जी शायद तकरीबन 6 बजे के समय रामनगर में स्थित जीएमडी मार्केट में आग लगी थी। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, व्यापारी संकुल कहलाता है। यहाँ पर ये आग लगी है और ये सुबह का वक्त होने की वजह से किसी को इस बात का अनुभव नहीं था, लेकिन जब धुआं बहुत ज्यादा हुआ, जब इसमें से आग के शोले बाहर निकले तो लोगों को इसका एहसास हुआ और उसके बाद तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के वहां पहुंचने तक, हालांकि दमकल विभाग का इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं माना जाएगा कि जैसे ही उनको कॉल आया वो तुरंत अपने दल बल के साथ वहां पर पहुंचे तापे के साथ और आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन तब तक ही कुछ ही पल में जो ये इसके अंदर कटलरी का सामान गोडाउन में था होने की वजह से ये आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था और लगातार आग बढ़ रही थी। गनीमत ये रही कि आसपास की जो पूरा मार्केट है, जो जो बहुत सारी दुकानें वहाँ है, ये आग ने इसको नहीं पकड़ा और उससे पहले ही दमकल विभाग के 4 फायर बम्प ने इस आग पर काबू पाया। शायद एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि किस चीज का गोदाम था, क्या इसमें रखा गया था? ऐसा इसमें कटलरी का सामान था, इसमें स्टेशनरी का सामान था और इसमें कुछ जो सौंदर्य के सामान होते हैं, इमिटेशन वगैरह, इसका इसके गोडाउन था। ये जो दीपक ट्रेडर्स करके ये गोडाउन था, तो इसमें ये सारी वस्तुएं थी। अब इसमें प्राथमिक जानकारी तो ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने का अंदेशा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जब अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में जांच की जा रही है कि आग किस कारणों से लगी है, लेकिन आग जिस तरह से भयावह थी, जिस तरह की बड़ी हुई थी, तो इससे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बड़ा अनर्थ ना हो जाए, लेकिन वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ी हानि यानी पूरे मार्केट की हानि यहाँ पर टल गई है, ऐसा समझा जाए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर आग लगने के कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन ये जो गोदाम था
इसमें कई कटलरी और कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ज़्यादा भड़क गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा एक बड़ी घटना हो सकती थी।